और ये देखिए अमित शाह की पहली झलक हम देख पा रहे हैं टीवी 9 के कैमरे में। अमित शाह यहाँ पर पहुंच गए हैं निशान स्कूल के ठीक बाहर और सभी लोग एक झलक पाने के लिए यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में लोगों की यहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी है। समीर आप देख पा रहे हैं निशान स्कूल के बाहर की ये तस्वीरें सबसे पहले हम टीवी 9 पर दिखा रहे हैं। अमित शाह यहाँ पर पहुंच गए हैं, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और अपना अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर कमांडो SOG और साइबर क्राइम सभी अलग अलग टुकड़ियां जो है पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की वो यहाँ पर तैनात की गई है और अमित शाह यहाँ पर लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, मीडिया की तरफ वो हाथ हिला रहे हैं क्योंकि उनके लिए ये बहुत बड़ी बात इसीलिए भी है और सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र इसीलिए भी है कि ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनकी लोकसभा बैठक है जहाँ से प्रधानमंत्री वोट करने वाले हैं। गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये रानीप जो है विधानसभा की सीट आती है और यहीं पर जो है सबसे अहम मतदान केंद्र है निशान स्कूल। आप देख पा रहे हैं सीधे अमित शाह यहाँ पर वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बिल्कुल पर और देखिए आमोद राय भी वहीं से हमारे साथ मौजूद है। आमोद तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां पर मौजूद है और आखिर उन्हीं की लोकसभा ये कॉन्स्टिट्यूएंसी एक बार फिर से जहां से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री की एक तरफ तस्वीरें उनके काफिले की, क्या जानकारी आप दे पा रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री राजभवन से निकल चुके हैं और उनकी अगुवाई में यहाँ के लोकसभा सांसद के जो उम्मीदवार हैं अमित शाह गृह मंत्री देश के वो पहुंच चुके हैं और आपको दिख रहा होगा सीधा मेरे कैमरे से दिख रहे होंगे प्रधानमंत्री के जो सहयोगी हैं उनसे वो लोकेशन ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के PA हैं तन्मय मेहता, उनसे वो पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री अभी तक कहाँ पहुँचे हैं। बताया जा रहा है कि अगले 5 से 7 मिनट में प्रधानमंत्री इस लोकेशन पर पहुँच जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह के साथ आपको ठीक उनके साथ यहाँ के लोकल विधायक, उनका नाम भी अमित शाह है, वो भी यहाँ आपको दिख रहे हैं और यहाँ पूरा जो व्यवस्था है उसको देखने के लिए गृह मंत्री स्वयं उपस्थित हुए। आप समझ सकते हैं चूंकि उनका लोकसभा क्षेत्र है, गांधीनगर का ये क्षेत्र है, गांधीनगर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री वोट डालते हैं और गांधीनगर एक ऐसा क्षेत्र है जो BJP का गढ़ रहा है। आपको मैं दिखाऊं, गृह मंत्री एक छोटे बच्चे से हाथ मिला रहे हैं, वहाँ पे जो लोग हैं उनसे हाथ मिलाने के लिए देखिए कैसे आगे बढ़कर जो लोग इस इलाके से आए हुए हैं वो एक झलक देखने के लिए गृह मंत्री लगातार यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ के इलाके के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का साथ ही साथ इंतजार भी कर रहे हैं। तो अभी जो है प्रधानमंत्री की स्थिति कहाँ तक पहुँचे हैं क्या है उनके सहयोगी ने, प्रधानमंत्री के सहयोगी ने गृह मंत्री को बताया है। अब गृह मंत्री जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में प्रधानमंत्री उधर से आएंगे और वहाँ वो रिसीव करेंगे जहाँ एंड पॉइंट है वहाँ से प्रधानमंत्री वॉक करके आएंगे, उसी दिशा में गृह मंत्री जा रहे हैं। तकरीबन 300 मीटर वो पैदल वॉक करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ ही वहाँ से लौटेंगे। तो यहाँ जो है आपको मैं बताऊँ कि अगले 3 से 4 मिनट में, मैक्सिमम 5 मिनट में प्रधानमंत्री यहां पहुंचने वाले हैं और वोटिंग करने के लिए यहां आने वाले हैं। बिल्कुल रानीप से ये सीधी तस्वीरें हमारे 3 सहयोगी इस वक्त दिखा रहे हैं, TV9 भारत वर्ष के दर्शक देख पा रहे हैं सीधी ये लाइव तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस 4-5 मिनट के अंदर अंदर यहां पर पहुंचने वाले हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहले ही पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए। तीसरे चरण में ऐसी सीटों पर चुनाव हो रहा है जहां पर BJP का सियासी ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। इन 93 सीटों पर 2009 में 47 सीटें BJP ने हासिल की थी लेकिन नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राजेश जोशी जी 2014 में सीटें बढ़कर हो जाती हैं 67 और 2019 में आंकड़ा पहुंच जाता है 72 तक। कैसे देखते हैं आप साथ ही साथ ये तस्वीरें, अगर इन पर भी आप कुछ कहना चाहें? देखिए हर चुनाव अलग होता है ये आप सब लोग जानते हैं, 2014 के चुनाव से 2019 का चुनाव अलग था, 2019 से इस बार का चुनाव अलग है। 2019 के चुनाव में राष्ट्रवाद एक चरम पर था क्योंकि बालाकोट हुआ था, इस बार कोई इमोटिव इशू नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के इमोटिव इशू राम मंदिर या मुसलमान या जो उनकी दौलत है हिंदुओं की मंगलसूत्र है उसको छीन लेने की बात इमोटिव इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जनता में जो एक तरह का उत्साह की कमी दिख रही है, कोई उबाल या कोई एक एग्रेशन नहीं दिख रहा है वोट के लिए, उसकी वजह यही है कि कोई ऐसा इशू नहीं है इस वक्त जो लोगों को
पोलिंग बूथ तक ले जाए। इसके बावजूद ये बात सही है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति है, गांधीनगर में अमित शाह को कोई चैलेंज मिल नहीं रहा है। हालांकि कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं कि कल उनके 7-8 कोई लोग आकर के उनके सब बैलेट पेपर्स वगैरह जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं छीन के ले गए हैं, दोबारा प्रिंट कराना पड़ा। ये सब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो पिछली बार 5 लाख से जीते, इस बार 10 लाख से जीतेंगे। ये तो दावे चुनाव से पहले होते ही रहते हैं, इनमें कोई कभी कई बार लगता है कि ये सिर्फ चुनावी जुमला है, लेकिन हाँ अमित शाह की जीत को तो कोई चैलेंज कर नहीं सकता इस समय।